बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ में 20 नवंबर मंगलवार को उपायुक्त सोनल गोयल ने कहा कि गांव के बीच पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान अपेक्षाकृत अधिक बेहतर ढंग से करते हुए प्रशासनिक शिविर व रात्रि चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। आमजन से जुड़ी समस्याओं के साथ साथ सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं को भी आमजन के साथ साझा किया जा रहा है, जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके तथा प्रशासन व आम लोगों के बीच बेहतर संवाद भी कायम हो सके। उपायुक्त गोयल मंगलवार को गांव बालौर के राजकीय उच्च विद्यालय में प्रशासनिक शिविर एवं रात्रि चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों से रूबरू हो रही थी। शिविर में पुलिस अधीक्षक पंकज नैन भी साथ रहे। उपायुक्त सोनल गोयल ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों का गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निदान करने के साथ ही सामाजिक सद्भाव की दिशा में सहयोगी बनने के लिए भी इस चौपाल के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है। देर शाम जारी प्रशासनिक शिविर में उपायुक्त गोयल ने अधिकारियों के साथ प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और आमजन को सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त सोनल गोयल ने बताया कि झज्जर जिले में रात्रि चौपाल कार्यक्रम में जनसमस्याओं का निराकरण करने के साथ ही सोच को दस्तक के तहत संवाद चौपाल के रूप में लोगों की मानसिकता को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। उपायुक्त ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक सशक्त करने का आह्वान करते हुए कहा कि बेटियां सशक्त होंगी तो यह समाज की मानसिकता का भी प्रतिबिंब होगा। उपायुक्त ने बताया कि झज्जर जिला में लैंगिक असमानता को दूर करने की दिशा में विशेष रूप से कदम बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कहा झज्जर हर क्षेत्र में अपनी पहचान कायम कर रहा है, ऐसे में सभी का दायित्व है कि ढांचागत विकास के साथ साथ सामाजिक मानसिक विकास में भी अव्वल हो। कार्यक्रम में नवजात बेटियों को भी उपायुक्त ने सम्मानित किया, साथ ही सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं का भी सम्मान किया। उन्होंने खुशी जताई कि बालौर गांव सोच के दस्तक मुहिम में सहभागी बन रहा है और आज कार्यक्रम में पर्दा प्रथा को दूर करते हुए महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। शिविर में पुलिस अधीक्षक पंकज नैन ने युवाओं को उनकी ऊर्जा का संचार सकारात्मक दिशा में रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज जिला में सुरक्षित माहौल के साथ लोगों को सार्थक संदेश पुलिस प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। गांव बालौर के राजकीय उच्च विद्यालय में मंगलवार को आयोजित प्रशासनिक शिविर में गांव के लोगों ने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की न केवल जानकारी ली, साथ ही योजनाओं का लाभ भी उठाया। उपायुक्त श्रीमती सोनल गोयल ने इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टालों का अवलोकन किया और जरूरतमंदों से योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर लगाने का असली मकसद आमजन को उनके घर द्वार पर सरकारी सुविधाएं प्रदान करना है। विद्यालय प्रांगण में मंगलवार को लगभग एक दर्जन सरकारी विभागों द्वारा अपने अपने विभागों से जुड़ी योजनाओं को लेकर स्टॉल लगाए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगी स्टॉल पर महिलाओं पुरुषों ने ब्लड प्रेशर शुगर व अन्य बीमारियों की डॉक्टरों से जांच करवाई। वहीं अटल सेवा केंद्र पर जरूरतमंदों ने आधार कार्ड भी बनवाए। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा मौके पर कई ग्रामीणों की ऑनलाइन पेंशन के लिए आवेदन करवाया गया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों ने स्टॉल पर आए किसानों को फसलों के अवशेष न जलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर SDM बहादुरगढ़ जगन्निवास, PDPO रामफल, तहसीलदार नरेंद्र कुमार, DSP हंसराज, DIO अमित बंसल, AIPRO दिनेश कुमार व सतीश कुमार, CDPO डिंपल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, सरपंच, सतवीर एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रशासनिक शिविर और रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बालौर के साथ साथ लगती हुई 4-5 पंचायत और कुछ सिटी से भी कंप्लेंट्स आई हैं। सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे और हमारा यही प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में जितने भी रात्रि चौपाल हो रहे हैं उसके अंदर जो कंप्लेंट्स आती हैं उसका कम से कम समय में विभागों द्वारा उसका निवारण किया जाए।